किसी एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में बुलाने की परंपरा चली आ रही है। साल 2015 में बराक ओबामा, 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंक होलैंड, 2017 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायेद और 2018 में आसियान के सभी 10 नेता भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे। इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निमंत्रण ठुकराने के बाद भारत को दूसरा विकल्प मिल गया है। खबरों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सायरल रामाफोसा 26 जनवरी के परेड के खास मेहमान बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के विकल्प के तौर पर केंद्र सरकार 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के नाम पर विचार कर रही थी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा का नाम सबसे ऊपर था। आखिर में उनके नाम पर सहमति बनी। दरअसल भारत एक ऐसा देश है जिसका रणनीति और प्रतीकात्मक महत्व है। सायरल रामाफोसा को इस वजह से भी निमंत्रण दिया गया है क्योंकि इसी साल राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। सायरल को गांधी और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रीय पति नेल्सन मंडेला का समर्थक माना जाता है। बता दें कि राष्ट्र गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने की चर्चा थी। यह उनका पहला भारत दौरा होता, लेकिन हाल ही में व्हाइट हाउस की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा रद्द होने की जानकारी दी गई। पता जा रहा है कि भारत के रूस के साथ हुई S-400 वीजा डील और ईरान स्टील करार की वजह से ट्रंप प्रशासन ने फैसला लिया। PM News 24 की रिपोर्ट।